हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओडिशा स्कूल क्लासेस। तो आज क्लास रे आमे तमरा अनुशीलनी 5B रो 8 नंबर तो करबा, ठीक अछि। आ प्रीवियस क्लास रे तमरा 17 नंबर जाय सॉरी छि, तमे देखि पारथबो आमे 17 नंबर करि छि प्रीवियस क्लास रे, जोटा कि 1 नंबर रो 17 नंबर। तमे जदि देखि न अनुशीलनी 5B रो, ताले गोटे प्लेलिस्ट अछि हमर चैनल रे 10th क्लास ज्योमेट्री, तो सेही प्लेलिस्ट ओपन करबो, तमको सब क्लास मिलि जइबो। केवल अनुशीलनी 5B न, ता सहित अनुशीलनी 5A, तमरा अनुशीलनी 1A, 1B, 1C, द्रुत चैप्टर, ए सब क्लास तुम्हें पाइज जहाँ सब उपाध्याय अच्छे से सब पाइब, तो से सब क्लास तुम्हें पाइब। जदि देख न से सब क्लास, तो प्लेलिस्ट चेक कर, ठीक अच्छे। जोटा कि 10th क्लास ज्योमेट्री से प्लेलिस्टर नेम। तो आज आम 18 नंबर करवा, तो समस्ते मन देक देख आम कमी करवा, और मन देक प्रथम देख प्रथम बुझे निजे कर। ताले देखो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कौन दे, तो क्वेश्चन दे 32 मीटर व्यास विशिष्ट गोटे वृत्ताकार बगीचा मध्य ताहार सीमा को लगे गोटे रास्ता निर्मित ताले होमको क्वेश्चन दे गोटे कौन अच्छी ना गोटे बगीचा अच्छी। ताले मुझे गोटे देख गोटे वृत्ताकार बगीचाटे करुचे, गोटे वृत्ताकार बगीचा मुझे कली जहाँ कौन देना तहार व्यास हूँ 32 मीटर, माने व्यासार्ध केते मीटर, व्यास 32 मीटर माने व्यासार्ध केते मीटर 16 मीटर, तो यहाँ हूँ 16 मीटर, ठीक अच्छे। तापर कौन दे माने ये बगीचा मध्य तहार सीमा को लगे गोटे रास्ता निर्मित होती, माने तार भितर पार्श्वर गोटे रास्ता एमती निर्मित से होती। देख ता भितर पार्श्वर मुझे गोटे रास्ता करुचे, जोटा कि से रास्ताटा भी हूँ वृत्ताकार रास्ता। इटे रास्ता किए, रास्ता कोटा तुम्हें जान पार कि नहीं? देख रास्ता कोटा तुमको कलर चेंज करके देखा, यही गोटाक हूँ रास्ता, जो तक मुझे येलो कलर करुची से तक हूँ रास्ता, ठीक अच्छे। ये गुड़ाक हूँ सब रास्ता बगीचार, मुझे जो भितर पाखे जो आउ गोटे वृत्त कली से बगीचार भितर पाख को लग कि गोटे रास्ता अच्छे से आमको क्वेश्चन देखिए, जो तक येलो कलर मुझे करतक हूँ कौन से तक हूँ रास्ता। ताले रास्ता कोटा बुझिल, एबे देख ए जो रास्तार क्षेत्रफल जोटा मुझे येलो कलर कली तार क्षेत्रफल के ना 352 वर्ग मीटर दे बुझिपार। ताले एबे देख आम धारा करवा, तो मुझे लिखुच देख वृत्ताकार वृत्ताकार बगीचार व्यास क्वेश्चन दे जोटा कि 32 मीटर, ताले व्यासार्ध ये आम बाहर करदे व्यासार्ध के वृत्ताकार बगीचार व्यासार्ध 32 बाय 2 तार अधा माने 16 मीटर, ताले क्षेत्रफल वृत्ताकार बगीचार क्षेत्रफल एम बाहर कर पारिबा वृत्ताकार बगीचार क्षेत्रफल समान केते पायर स्क्वायर सूत्र वृत्तर क्षेत्रफल सूत्र, तो पाए हूँ के 22/7 गुणन आर माने 16 गुणन 16 जेहेतु आर स्क्वायर, ताले एबे 22 को दुईटा एक 16 गुणी दबा, आम 22 को 16 गुणब पुणी जहाँ बाहर पुणी आउ गोटे 16 गुणब, जोटा कि हेले गुणिले आमर हम 5632 और तले आमर 7 अच्छे, तो 7 को 7 रहिला वर्ग मीटर, ठीक अच्छे। ताले वृत्ताकार बगीचार क्षेत्रफल बाहर ला, माने एटा जो आमर बाहर ला कोटा बाहर ला को वृत्तर क्षेत्रफल बाहर ला, माने ये जो बाहर वृत्त जोटा आमर बगीचा ये जो वृत्तर क्षेत्रफल माने बगीचार क्षेत्रफल आमर बाहर ला, ये टोटाल वृत्तटार वृत्ताकार बगीचाटर क्षेत्रफल आमर बाहर ला एति की बुझिपारल। एबे देख रास्तार क्षेत्रफल आमको दे रास्तार क्षेत्रफल समान के क्वेश्चन रे रास्तार क्षेत्रफल सामान क्वेश्चन रे 352 वर्ग मीटर, ये आमको क्वेश्चन में देखे। एबे आमे रास्तार क्षेत्रफल माने कौटा जोटा येलो कलर मुझे ताहले ए टोटल वृत्त माने बाहर वृत्तटा जार क्षेत्रफल हूँ के आम बाहर कर 5632/7 ये बाहर वृत्तर रास्तार क्षेत्रफल फेड़ीदे ये जो छोट वृत्त माने भितर पाखर वृत्तर क्षेत्रफल आमर बाहर जीव बाहर जीव कि नहीं, एबे सेटा ही मुझे लिखुच देख देख भितर वृत्तर क्षेत्रफल समान भितर वृत्तर क्षेत्रफल समान केते हबो
ଫେଡ଼ି ଦେବା ମୁଁ କହିଲି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ବଗିଚାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଫେଡ଼ି ଦେବା। ତ 5632×7 ଫେଡ଼ାଣ 352, ତାହେଲେ ତଳେ ଆମର ଲସାଗୁ ଗଲା 7, ଉପରେ 5632 ଫେଡ଼ାଣ 352କୁ 7ରେ ଗୁଣିଦେବ, ଯେଉଁଟାକି 2464। ତ ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହେବ? ଫେଡ଼ିଲେ ହେବ 3168×7 ବର୍ଗ ମିଟର, ଭିତର ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମର ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଭିତର ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବାହାର କରିପାରିବା। କେମିତି ବାହାର କରିବା? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ଏତିକି, ତାହେଲେ ଆମେ ପକେଇ ପାରିବା ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାଏ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ସମାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତର ବୃତ୍ତଟାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଆମେ ଆର୍ ନେଇଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପାଏ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 3168×7। ତାପରେ ଦେଖ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇ ଦିଅ 22/7 ଗୁଣନ ଆର୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆର୍ ସ୍କୋୟାରକୁ ସେମିତି ରହିଲା 3168×7। ତ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? 22/7କୁ ଆମେ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିବା, ତ ଓଲଟି ଯିବ 3168×7 ଗୁଣନ 22/7 ଓଲଟି ଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 7/22 ହେଇଯିବ। ତ 7କୁ 7 କଟିଲା, 3168କୁ 22ରେ ହରିଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ହେବ 144, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଆମର ବାହାରିଲା 144। ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ ଆର୍ କେତେ? ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହିଥିଲି କେମିତି ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବ, ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ମୁଁ ରିଭିଜନ୍ କରୁଛି, ତମର ମନେ ରହିଲେ ମନେ ରହିଯିବନି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦେଉଛି, ଏଠି ଅଛି 144। ତାହେଲେ 144 ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ, 144 ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା 100 ତମେ ଜାଣିଛ, 10ର ସ୍କୋୟାର ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି, ଦେଖ 10ର ସ୍କୋୟାର ଏଇ ଉପରେ ଲେଖୁଛି, 10ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି ତମେ ଜାଣିଛ 100, 100 ଜାଣିଛ। 15ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ବାହାର କରିପାରିବ? କେମିତି ବାହାର କରିବ? ଏକକ ଘରେ 5 ଥିଲେ, 5×5=25, ତାପରେ 1, 1ର ପରସଂଖ୍ୟା କିଏ 2, 1×2=2, ମାନେ 15ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 225। ଟିକେ ଦୂରରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ପାଖରେ ଲେଖୁଛି 225, ପାଖରେ ଲେଖିଦେବା 15ର ସ୍କୋୟାର 225। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 100ରୁ 225 ଭିତରେ ହିଁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, 144ଟା ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 144ଟା ଆମର 100 ଆଉ 225 ଭିତରେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ 10ରୁ 15 ଭିତରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା? ଗୋଟେ ହେଉଛି 11, ଦେଖ 11, 12, 13, 14 ଏଇ 4ଟା ହିଁ ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଦେଖ 11କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା, ଏକକ ଘରେ 1 ଅଛି ତ ଆର ଏକକ ଘରେ 1 ହିଁ ରହିବ, ଯେଉଁ 12କୁ 12ରେ ଗୁଣିଲେ ଏକକ ଘରେ 4 ରହିବ, 13କୁ 13ରେ ଗୁଣିଲେ ଏକକ ଘରେ 9 ରହିବ, ଏଠି 14, 4କୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ ଏକକ ଘରେ 6 ରହିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଏକକ ଘରେ କେତେ ଅଛି ନା 4 ଅଛି, ତାହେଲେ କେବଳ 12କୁ ହିଁ 2 ଥର ଗୁଣିଲେ ଏକକ ଘରେ 4 ରହୁଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ଆର୍ ହେଉଛି ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା ନା 144ର ବର୍ଗମୂଳ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାରିଲା ଆମର 12। ତାହେଲେ କେତେ ସହଜରେ ତମେ ବାହାର କରିଦେଲ? ତ ଆମର ଆର୍ ବାହାରିଗଲା 12, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତର ପାଖର ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବାହାରିଗଲା ହେଉଛି 12 ଆମର ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ, ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ତ। ତାହେଲେ ଦେଖ ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ତ ସମାନ, ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ତ ସମାନ କେତେ, ମାନେ ବଡ଼ ଆର୍ ଫେଡ଼ାଣ ଛୋଟ ଆର୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ତମେ ଏଠି ବଡ଼ ଆର୍ ଦେଇଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆର୍ ଫେଡ଼ାଣ ଆର୍, ତ ବଡ଼ ଆର୍ ବାହାରିଛି ଆମର 16, ଛୋଟ ଆର୍ ଏଠି ବାହାରିଲା 12, ତ 16 ଫେଡ଼ାଣ 12 ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାହାରିଲା 4 ମିଟର। ତ ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ତ ଆମର ବାହାରିଲା 4 ମିଟର। ତ ଏବେ ତମେ ଅତେବ ଲେଖିଦେବ, ଅତେବ କ'ଣ ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି 4 ମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ 18 ନମ୍ବର? ତାପରେ ଆମେ 19 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦେଖ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଇଛି ଯେ କ'ଣ, 2ଟି ବୃତ୍ତର ପରିଧିର ସମଷ୍ଟି ଦେଇଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର ଦେଇଛି, ପଚାରିଛି କ'ଣ ସେଇ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ଟିକେ ତମର ଲଙ୍ଗ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା ମନ ଦେଇକି ଦେଖ। ତ 2ଟି ବୃତ୍ତର ପରିଧି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ ମନେକର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ମନେକର, ମନେକର 2ଟି ବୃତ୍ତର, 2ଟି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଥାକ୍ରମେ, ଗୋଟେ ଆମେ ବଡ଼ ଆର୍ ନେଇଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆର୍ ନେଇଯିବା, ଆର୍ ଓ ଆର୍ ସେମି,
ठीक अच्छे ताले परिधि केते हिजबो दुईटी वृत्तर परिधि समान दुईटी वृत्तर परिधि समान केते हबो गोटे हबो 2 पाए बड़ आर आ गोटे हबो 2 पाए छोट आर ठीक अच्छे आमती दुईटी वृत्तर क्षेत्रफल केते हबो दुईटी वृत्तर क्षेत्रफल क्षेत्रफल सूत्र कौन पायर स्क्वायर तो एठी केते हबो गोटी गोटे हबो पाए बड़ आर स्क्वायर आ गोटे हबो पाए छोट आर स्क्वायर ताले एबे हमको जहाँ क्वेश्चन देछि से उडा सब लिखि देबा प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कौन देछि दुईटी वृत्तर परिधिर समष्टि माने आमर तो बाहरला दुईटी वृत्तर परिधि तो प्रश्नानुसार आमर जहाँ देछि सेटा आमे लिखि देबा देछि प्रश्न रे 2 पाए बड़ आर मिशाण 2 पाए छोट आर जोटा कि जो क्वेश्चन ने देछि 220 220 ठीक अच्छे ताले एथरु आमे जहाँ कॉमन जाऊचे कौन कॉमन जाऊचे देख 2 पाए कॉमन जाऊचे तो इम्प्लाइज दैट 2 पाए को आमे कॉमन नहीं गले भीतर रहिला आर प्लस आर माने बड़ आर मिशाण छोट आर जोटा कि 220 रहिला तापरे इम्प्लाइज दैट पाए रो वैल्यू पकई दबा 2 गुणन 22 बाय 7 आर प्लस बड़ आर मिशाण छोट आर समान 220 तापरे इम्प्लाइज दैट आर प्लस आर को एपटे रखि दियो ई जो 2 गुणन 22 बाय 7 जोटा कि 44 बाय 7 220 पाकु नै आसीबा तो 220 पाकु आनले उल्टी जीवो तो 7 बाय 44 हे जीवो तले एथिरे कोन कटुछि देखो ओथरे कटुछि देखो एटा हमर 22 रे कटला 2 एटा 22 रे करछि 10 तो 2 5 10 57 हमर हला 35 तो आर प्लस आर हमर भारला 35 ताकु टिके हम लिखि दउ छी ओथरे आर प्लस आर आमर बाहरला 35 तो यहाँ को तुम इक्वेशन 1 दे दियो ठीक अच्छे तो एबे देख एटा आमर गोटे इक्वेशन बाहरी गला पुणी देछि प्रश्न अनुसार कौन क्षेत्रफल अंतर देछि 770 वर्ग सेंटीमीटर तले मु एटा आउ थरे लिखुछ देख पुनश्च प्रश्न अनुसार पुनश्च प्रश्न अनुसार केते देछि क्षेत्रफल अंतर माने पाए बड़ आर स्क्वायर फेड़ाण पाए छोट आर स्क्वायर केते देछि ना 770 देछि तले एठि सेमती पाए कॉमन नै जिबा पाए कॉमन नेला परे भीतर रहला केते आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जोटा कि 770 तापरे पाए रो एठी वैल्यू पुट कर दियो 22 बाय 7 22 देखो मा पर स्टेपटा ऊपर लिखुचे ठीक अच्छे ये जगह नहीं तो मुझे लिखुच देख मुपट लिख दौ तो हमें एपटे करद देख पायर वैल्यू मुझे पुट करी ये जो पायर वैल्यू के 22 बाय 7 22 बाय 7 आर स्क्वायर बड़ आर स्क्वायर माइनस छोट आर स्क्वायर हूँ 770 तो इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर फेड़ाण आर स्क्वायर माने बड़ आर स्क्वायर माइनस छोट आर स्क्वायर के 770 22 बाय 7 को एपट को नहीं आसवा नहीं आसे उल्टी जीव 7 बाय 22 तो ये 11 कटिव 2 ये 11 कटिव के 70 तो 2 को 70 काटले 35 तो 35 सत्ता के 35 गुणी के देख 35 सत्ता के 7 पंच 35 5 रखा 3 7 एक 24 तो 245 तुम हो ठीक अच्छे ताले एबे देख ये जो आर स्क्वायर माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र तुम मन थी भावी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र कौन ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी से कि नहीं तले एठी मुझे करुच्ची आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो मुझे लिखिपारि आर माइनस आर आर प्लस आर मुखिपारि जोटा कि है 245 तो इम्प्लाइज दैट ये जो आर प्लस आर ये हमारे इक्वेशन 1 रे बाहर 35 तो ये जो आर प्लस आर जगह 35 पकई पार तो आर माइनस आर गुणन 35 बाय समान 245
इम्प्लाइज दैट आर माइनस आर के बाहर पैंतीस को एपट को नहीं आसवा तो दुई पैंचाश रे हरी हो तो हर के बाहर देख यहाँ पाँच कटला सात यहाँ पाँच कटले के पांच चौ कोड़े अणचाश हो तो सात सत अणचाश आर माइनस आर आमर बाहर सेभेन ठीक अच्छे तो मुझे आउ थे लिखिदे इम्प्लाइज दैट आर माइनस आर सामान सेभेन तो यहाँ को दे दियो इक्वेशन टू दे दियो ताले एबे आमे कौन करिबा इक्वेशन वन ओ टू को जोग कले जोग कले के हम एटी अच्छे आर प्लस आर सामान के पैंतीस इक्वेशन टू रे अच्छे के आर माइनस आर सामान सेभेन ताल देख आम जोग करवा तो आर आर कटि जाठी आमर है टू आर टू बड़ आर इक्वाल टू पैंतीस सात के बयालीस बयालीस है तो इम्प्लाइज दैट आर सामान बयालीस बाय दुई जोटा कि है एक तो एक सेमी आमर बड़ आर बाहर एक सेमी बड़ आर बाहर तो छोट आर केमी बाहर आ पर स्टेप देख मुझे लिख दौ टे लंग हम मुझी तो देख ये लिखुची आर रैल्यू आर रैल्यू को इक्वेशन टू रे पुट कले बा पकेले तुम जहाँ लिखिपार पुट कले के हम आर माइनस आर सामान सेभेन तो इम्प्लाइज दैट आर बाहर आमर एक माइनस आर सामान सात तो ये जो सतटा आम एपट को नहीं आसवा तो फेड़ी हो जाए एक फेड़ान सात ये माइनस आर टाक आम एपट को नहीं गले प्लस आर हो तो इम्प्लाइज दैट आर इक्वाल टू बाहर के एक सात गले चौदह तो तुमर कौन बाहर बड़ आर बाहर ये एक सेमी छोट आर बाहर चौदह सेमी तो आमर बाहरी गला वृत्तद्वयर व्यासार्ध तो तुम एवं अत्यपटे लिखि पार वृत्तद्वयर व्यासार्ध गोटे बाहर एक आउ गोटे बाहर चौदह ठीक अच्छे सरला उन्नीस नंबर तो आज क्लास ये दुईटा ही करवा अठ नंबर करवा उन्नीस नंबर करवा दुईटा जाक लंग थी टिके और दुईटा जाक बहुत ही इंपोर्टेंट थी तो भावे तुम समस्ते बुझी भी पार ठीक अच्छे तो आज क्लास टू को ये रखा कोड़े नंबर ठू आ नेक्स्ट क्लास करवा तो आज क्लास टू जब भल लगे क्लास टू को लाइक करदेव सहित तुम फ्रेंड्स मानक सेयार कर आदि चैनल नुआ अच तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके पाखे बेल बटन प्रेस करदेव जहाँफल मुझे जो नेक्स्ट क्लास सब अपलोड करी तो तुम पाखे प्रथम जाए क्लास नोटिफिकेशन पहुँची जा।